ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन देखो, अगर आपको लगे डिफिकल्ट तो बताइएगा, है ना। क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है देखो, डिफिकल्ट नहीं है ये, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको लग रहा है। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन इन फर्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड एंड सो ऑन, इस तरीके से बताएं इसको क्या होना चाहिए। और जो वैल्यू ऑफ जी है इसके अंदर भी आपको टेक स्मॉल जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर्स इन द फर्स्ट 1 सेकेंड, नेक्स्ट 1 सेकेंड एंड देन फर्दर नेक्स्ट 1 सेकेंड एंड सो ऑन। मतलब एक एक सेकंड अगर हम इसको क्रॉस करें तो कितना कितना चलेगा, पहले वाले 1 सेकंड में, अगले वाले 1 सेकंड में, उसके बाद वाले 1 सेकंड में, कितना कितना ये चलेगा, ये क्वेश्चन है आपका इन एवरी 1 सेकंड। तो क्या आंसर आएगा देखो इसका। देखो चलो आंसर देखें, अभी आप लोग के आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। SSK, ओके, और देखते हैं, और वेट करते हैं आपके आंसर्स का। ठीक है, और कार्तिक गौर, सारांश आने का यादव, पहले 1 सेकंड का तो आपका आ रहा है, फर्स्ट 1 सेकंड तो आप ला रहे हो, आगे का बताओ, आगे का। हाँ ये विधिका, फर्स्ट 1 सेकंड आप लोग के सही आंसर है, फर्स्ट 1 सेकंड। SSK थर्ड आंसर भी सही है। SSK अब तुमको मारेंगे, SSK अब तुम पिटोगे हमसे। तुम्हारे आंसर सब सही आ रहे हैं, फिर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों हाई नहीं होता। वसुंधरा सही है, SSK सुन लो, तुमको अब हम ना तुमको पिटाई होगी तुम्हारी, तुम्हारे सारे आंसर सही होते हैं, उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि हमें सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अनिका यादव सही है, सारांश सुमराव सही आंसर है, आनंद मणि दुबे सही आंसर है, आयुषी गुप्ता का सही आंसर है, वसुंधरा वंश ठीक है। देखो इसमें कंसेप्ट ये लगाओगे ना, जल्दी से इसको भी आगे बढ़े, इसमें कंसेप्ट क्या लगाओगे। अंकित मेहरोत्रा सही आंसर है, वंश अग्रवाल सही आंसर है, इसमें कंसेप्ट ये लगाते हो, इसमें भी तो वही कंसेप्ट है। देखो सबका एक ही रूल है यार, रूल सबका एक ही है। देखो रूल क्या है, पहले तो आप इसका रूल समझो, व्हाट इज द रूल, रूल फॉर दिस क्वेश्चन क्या है। इफ यू ड्रॉप अ बॉडी देन इन अ टाइम ऑफ टी, एक बॉडी को ड्रॉप करो टी सेकेंड्स के बाद, अंकित और वन सही आंसर है। ये अगर एच डिस्टेंस ड्रॉप करता है तो टाइम और हाइट में एक रिलेशन कहते हो कि एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज रिलेशन। ये रूल है इसका कि अगर कोई भी बॉडी ड्रॉप होगी तो ड्रॉप होने से टी सेकेंड्स के बाद वो हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस नीचे आएगा, जहां से ड्रॉप किया जाएगा उससे हाफ जी टी स्क्वायर नीचे की तरफ आएगा, अगर टाइम कितना हो टी सेकेंड्स का। तो इस क्वेश्चन में यही काम है, ड्रॉप किया तो इससे 1 सेकंड के बाद, आफ्टर 1 सेकंड, जब इसका 1 सेकंड हो जाएगा तो इसके हिसाब से हाफ जी टी स्क्वायर के हिसाब से जब जाओगे हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ 10 और 1 स्क्वायर, विच इज 5 मीटर। फिर जब नेक्स्ट वन सेकंड का मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा नेक्स्ट 1 सेकंड, तो जो अगला वाला 1 सेकंड होगा
नेक्स्ट 1 सेकंड का मतलब ये हुआ कि आप ड्रॉप करने से टोटल 2 सेकंड हो गया, जहां से ड्रॉप किया है वहां से 2 सेकंड हुआ ये, तो 2 सेकंड के अंदर हम कितना डिस्टेंस आएंगे 2 सेकंड में। ये जो आप h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाओगे, इसमें h हमेशा फ्रॉम ड्रॉप पॉइंट होगा, जहां से ड्रॉप किया गया है वहां से काउंट करोगे फ्रॉम द ड्रॉप पॉइंट। तो ड्रॉप पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ 10 और 2 स्क्वायर, विच मीन्स 20 मीटर। तो 20 मीटर फ्रॉम द ड्रॉप पॉइंट, उसमें से 5 मीटर आप पहले ही गिर चुके हो, 5 मीटर तो पहले ही आ चुके हैं, 5 मीटर तो पहले हो चुका था, तो इसका मतलब उसके आगे सिर्फ 15 मीटर और आएगा। फॉर्मूला जो है वो हमेशा आपको ड्रॉप पॉइंट से बताएगा, फ्रॉम द ड्रॉप पॉइंट हाफ जी टी स्क्वायर। 5 मीटर आपने पहले 1 सेकंड में पूरा कर लिया है, तो अगले 1 सेकंड में आप 20 मीटर माइनस 5 मीटर, यानी कि 15 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड और नेक्स्ट 1 सेकंड, यानी कि टोटल हो गया 3 सेकंड्स। 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड, टोटल हो गया 3 सेकंड्स। तो यहां पर अगर आप 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो टोटल 3 सेकंड में वो जो डिस्टेंस नीचे आएगा वो आएगा हाफ जी 10 और 3 स्क्वायर 9, यानी कि 45 मीटर। तो 45 मीटर फ्रॉम द ड्रॉप पॉइंट, जहां से ड्रॉप किया है वहां से 45 मीटर, हाँ ड्रॉप किया है वहां से 45 मीटर बस। बट इस 45 मीटर में आप 20 मीटर तो ऑलरेडी 2 सेकंड में कर चुके थे, पहले 2 सेकंड के अंदर आपने 20 मीटर कवर कर लिया था, तो फिर जो नेक्स्ट 1 सेकंड है, अगला वाला 1 सेकंड, उसमें कितना कवर किया होगा, तो 45 माइनस 20 यानी कि 25 मीटर। तो पहले 1 सेकंड के अंदर, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 15 मीटर, उसके अगले 1 सेकंड में 25 मीटर। क्या कोई पैटर्न बन रहा, क्या कोई पैटर्न बन रहा? हाँ वंस, वो तो मैं कह रहा, वो फॉर्मूला भी है, उसके अलावा क्या कोई पैटर्न बन रहा है? इसमें पैटर्न बन रहा है, यहां पर एक पैटर्न बन रहा है, और इसके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल फॉर्मूला भी डिस्कस किया था। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला ये था कि अगर आप किसी nth सेकंड की बात करोगे, इन nth सेकंड, तो हम डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली u प्लस हाफ a और 2n माइनस 1 से भी निकाल सकते हैं। ये भी एक फॉर्मूला था, इन द nth सेकंड का फॉर्मूला। मैंने देखो, पहले मैंने क्वेश्चन को विदाउट दिस फॉर्मूला किया है, विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो उससे तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब आप चाहो, ये ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर चाहो तो इस फॉर्मूले को भी लगा सकते थे। इस फॉर्मूले को कैसे लगाते, तो जो पहला सेकंड होता है फर्स्ट, अच्छा इसमें u जीरो होगा, क्योंकि बॉडी जब भी ड्रॉप की जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मानते हैं। ड्रॉप वर्ड का मतलब होता है कि u इक्वल टू जीरो। तो हाफ, और हमने कहा था कि जहां पर a है उसकी जगह पर ग्रेविटी आ जाएगा, a की जगह पर ग्रेविटी, विच इज 10, 2 और 1 माइनस 1, बिकॉज n की वैल्यू फर्स्ट में हो जाएगी। इसको सॉल्व करो, आपको दूसरा वाला चाहिए ना s2, मतलब पहला 1 सेकंड हो गया, अगला वाला 1 सेकंड, तो 1 सेकंड के बाद जो अगला वाला 1 सेकंड होगा वो सेकंड हो गया, सेकंड हो गया वो, तो आप क्या लगाओगे, हाफ 10 और n की जगह पर 2 रख दो, तो 2 × 2 − 1। तीसरा वाला जो 1 सेकंड होगा, थर्ड 1 सेकंड, तीसरा वाला 1 सेकंड, तो उसके लिए क्या करेंगे, हाफ 10 और 2 × 3 − 1। इन सबको वेरीफाई करके देखो, क्या ये आंसर से सिमिलर आ रहे हैं, जो आंसर हमने पहले निकाला था क्या ये वैसे ही आंसर आ रहे हैं? ठीक है, बट पहले हमने किसी और तरीके से सॉल्व किया था, अब हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, अब हम लोग को एक फॉर्मूला यूज करके चलेंगे। हाँ नहीं, और उस रेशियो तो आ रहा है बच्चा, रेशियो 1:3:5:7 का तो आ रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप 1 सेकंड जो इस तरह से होगा, इसमें हम डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, बाय द फॉर्मूला यू जिसकी वैल्यू 0 प्लस हाफ ए 2n − 1। मैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करता हूँ, रुको, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, फिर तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा तुम्हें। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ,
और आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे. ठीक है, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन लेट्स से फिफ्थ. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन फिफ्थ, नाइन्थ एंड 15th सेकेंड. चलो ये कैसे करोगे बताओ. हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द फिफ्थ, नाइन्थ एंड 15th सेकेंड. हाँ जी पौरुष सिंह, अब अभी आंसर सही हो जाएगा पौरुष, घबराओ नहीं, अब आंसर तुम्हारा सही आएगा. ठीक है ना, फिफ्थ सेकेंड, नाइन्थ सेकेंड, 15th सेकेंड. तो अब मुझे ना देखो, मुझे आंसर को फास्ट करना है. आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आंसर्स कितने टाइम में आ रहे हैं वो मैटर करता है. आई मीन टाइमिंग इंपॉर्टेंट है वहां पर एग्जाम्स में. तो कैसे करोगे इसको देखो. देखिए कैसे करेंगे, आप यही फॉर्मूला लगाओ कि कोई भी अगर आपका nth सेकंड कहा जाए, इन nth सेकंड, और स्पेशली जब ड्रॉप कर दिया है, ड्रॉप करने के केस में क्या होता है कि u की वैल्यू जीरो हो जाती है. ड्रॉप करने के केस में u की वैल्यू जीरो, तो आप nth सेकंड में क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे sn विल बी हाफ, जहां पर a है उसकी जगह पर g और यहां पर 2n माइनस 1. हाँ सभी आंसर सही है. वेदिका एक मिनट को, वंश सारांश अनिका SSK. रुको बच्चा एक मिनट रुको, एक बार रुक जाओ, मैं इसे क्लियर करने दो, क्योंकि ये आपका फॉर्मूला लगाएगा. तो अब अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप कहते हो कि मुझे फिफ्थ सेकंड चाहिए, पांचवा सेकंड, तो यहाँ पर n की वैल्यू 5, तो ये हो गया हाफ 10, सीधा सीधा 2 × 5 − 1. अगर तुम कहते हो कि मुझे नाइन्थ वाला चाहिए, तो हाफ 10, यहाँ पर 2 × 9 − 1. अगर आपको यहाँ पर 15th सेकंड चाहिए, तो हाफ 10 एंड 2 × 15 − 1. तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा. पहला वाला आंसर 45 मीटर का आ जाएगा और सेकंड वाला आंसर जो है वो 85 मीटर आ रहा है कुछ. हाँ और थर्ड वाला 145 मीटर हो गया, 145 मीटर. ठीक है, इसी तरीके से आंसर आ रहा है आपका, ऐसा ही आंसर बनेगा तुम्हारा जो भी आंसर आएगा. ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा किसी भी टाइम में जब जाओगे तो यू विल गेट डायरेक्ट आंसर. ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन. ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन से मैच करेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा हो सकता है स्लाइटली मैं डिफिकल्ट साइड पे जाऊं. अ पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड इट कवर्स हाफ डिस्टेंस, इट कवर्स हाफ डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड ऑफ जर्नी. फाइंड द find the height from which it is dropped. Also find the total time of motion. ये question है. और as usual आपको g की value फिर से 10 रखनी है, 10 meter per second square. ये question है आपका. So particle is dropped from a height and it covers half distance in the last second of journey. Find the height from which it is dropped. Also find the total time of journey. G is 10 meter per second square. अब ये question कैसे करेंगे देखो. ठीक है, ये question कैसे करेंगे, related to the previous example है, related to the previous example. देखिए
सॉल्यूशन देखो इसका कैसे करोगे। अगर हम लोग ये कहें कि एक बॉडी को मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप जिसका मतलब बार बार की यू जीरो, ओके, और लेट्स से हम ये मान लेते हैं कि इसकी टोटल हाइट एच थी, टोटल हाइट इज एच, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हाफ डिस्टेंस का मतलब हो गया एच बाई टू, ठीक है। अगर मैं ये मानूं कि टोटल हाइट h है और टोटल टाइम, अगर मैं मानूं कि टोटल टाइम जो लगा वो कोई n सेकेंड्स होंगे, n कोई नंबर होगा, n कोई इंटीजर हो सकता है, कोई नंबर होगा, इतने सेकेंड्स लगे, तो जो आखिरी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लास्ट का h बाई टू डिस्टेंस है, आखिरी का h बाई टू डिस्टेंस, वो लास्ट सेकंड में पूरा हो रहा है, वो लास्ट सेकंड है, आखिरी सेकंड में h बाई टू है, ये लिखा हुआ है हाफ डिस्टेंस इन द लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड कौन सा होगा, आखिरी वाला कौन सा होगा? अगर टोटल टाइम तुम्हारे पास n सेकंड है तो लास्ट सेकंड ऑब्वियसली nth होगा। अगर टोटल टाइम n सेकंड ले रहे हो तो आखिरी का टाइम जो होगा लास्ट वाला सेकंड nth माना जाएगा। जैसे कि अगर टोटल 5 है तो 5th लास्ट हो जाएगा, टोटल 6 है तो 6th लास्ट हो जाएगा, टोटल 7 है तो 7th लास्ट हो जाएगा। तो जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स हैं उसी में से आपका लास्ट सेकंड वाला आएगा, लास्ट सेकंड उसी में से आएगा। अब यहां पर दो फॉर्मूले लगेंगे, दो फॉर्मूले कौन से देखूं, एक तुम फॉर्मूला लगाते हो हाफ जी टी स्क्वायर वाला, तो ये क्या होता है हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, जब ये फॉर्मूला लगाते हो ना तो ये क्या होता है, ये हाइट फ्रॉम ड्रॉप पॉइंट, जहां से ड्रॉप किया जाएगा, हाइट फ्रॉम द ड्रॉप पॉइंट इन टी सेकेंड्स, दिस इज द हाइट फ्रॉम ड्रॉप पॉइंट इन द टी सेकेंड्स। और दूसरा फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया है, दूसरा फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में यूज किया, एक बार देखो उसको, ये वाला हाफ जी टू एन माइनस वन वाला, ये किसी स्पेसिफिक सेकेंड के लिए होता है, जैसे 5वां सेकेंड, 9th सेकेंड, 15th सेकेंड, उसके लिए होता है। तो यहां पर लगाओगे हाफ जी और 2n-1, ये भी एक फॉर्मूला है, बट ये फॉर्मूला कब होगा आपको, इन nth सेकंड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल n सेकंड के अंदर आपने ये h डिस्टेंस कवर किया है, टोटल n सेकंड और h डिस्टेंस। तो पहली इक्वेशन वही होती है, फर्स्ट इक्वेशन टोटल टाइम t और डिस्टेंस को कंपेयर करता है कि हाफ जी टी स्क्वायर डिस्टेंस आएगा इन अ टोटल टाइम टी। तो टोटल एन सेकेंड्स के अंदर अगर आप एच हाइट कवर कर रहे हो तो आपकी पहली इक्वेशन बननी चाहिए एच इक्वल टू हाफ जी और टाइम की जगह पर एन स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनेगी। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एच बाई टू डिस्टेंस को आपने आखिरी के एक सेकंड में पूरा किया है, आखिरी का एक सेकंड, लास्ट वन सेकंड में आपने h बाई टू पूरा किया है, तो इसके लिए तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बनेगी h बाई टू इक्वल टू हाफ g, और आखिरी सेकंड कौन सा होगा, अगर n टोटल सेकंड्स हैं तो nth आखिरी होगा, और यहां पर फॉर्मूला 2n-1 का लगेगा। ये दो इक्वेशंस आएंगी, टू इक्वेशंस। अब ये हो सकता है कि आप इसको सॉल्व ना कर पाए, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व करना बता देता हूं तुम्हें, बट ये इक्वेशंस कहां से बनी है वो देखो, आप दो फॉर्मूले हैं, तो पहला वाला जो फॉर्मूला है फॉर्मूला 1 और दूसरा वाला है फॉर्मूला 2। तो फॉर्मूला 2 किसी nth सेकंड के लिए होता है कि nth सेकंड में क्या होगा, और फॉर्मूला 1 इन टोटल टाइम t सेकंड्स के लिए होता है कि टोटल t सेकंड्स लेंगे तो हाफ gt स्क्वायर लेना पड़ेगा, और nth सेकंड रखोगे तो ये डिस्टेंस लेनी पड़ेगी आपको। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू को सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे,
तो फर्स्ट इक्वेशन से एच इक्वल टू ये है, यहाँ जी को 10 रख दो, तो जी को जब 10 रखोगे तो पहले वाले इक्वेशन से एच की एक वैल्यू बन जाएगी 5n2, और ये वैल्यू ले जा करके सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो सेकंड इक्वेशन से क्या बन जाएगा तुम्हारे पास 5n2 / 2, और यहाँ पर ये जी की जगह जब 10 रखोगे तो 10/2 से यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2n-1, एक 5 यहाँ से और एक 5 यहाँ से कैंसिल कर जाएगा, और आपके पास आ जाएगा n² = 2 times 2n-1. अब तुम लोग बता पाओगे इसमें से n कितना होगा, n की क्या वैल्यू होगी, n की कोई वैल्यू तुम्हारे हिसाब से अगर लग रही है n² = 2 2n-1, हो सकता है कि मैथ की वजह से आप आंसर ना ला पाओ कि यहाँ पर n कितना होना चाहिए, n² = 2 (2n-1). तो ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपका मैथमेटिकल पोर्शन की वजह से आंसर फंस जाए, बट फिर भी इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं और इसको सिंपलीफाई करके ऊपर लेके देखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, इट विल बी n² - 4n + 2 = 0। हाँ, और ये अगर तुम लोगों ने वो पढ़ रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी तो इसमें से n निकल जाएगा। अगर तुमको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है तो देखो उससे क्या आएगा। SSK श्रेष्ठ विश्वकर्मा, आंसर सही है तुम्हारा। अब बाकी लोगों ने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आंसर कैसे लाते हैं। अन्य त्रिपाठी, सही आंसर तुम्हारा। कार्तिक गौर, आंसर बताओ। मैंने इक्वेशन लिख दिया तुमको, मैथ वाला पोर्शन पूरा हो गया, अब इसके आगे तुम बताओ, इसके आगे तुम लोग बताओ कि क्या आंसर आएगा। दो लोग, तीन लोगों के आंसर सही है। सुरेश विश्वकर्मा का आंसर सही है, अन्य त्रिपाठी का आंसर सही है, और बच्चे बताएं, बाकी लोग बताएं जरा इसको। n² - 4n + 2 = 0, इससे हम आंसर कैसे लाएंगे अपना। पढ़ा है क्वाड्रेटिक, आप सभी लोग कह रहे हो कि हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, तो बताइए भाई, क्वाड्रेटिक अगर पढ़ा हुआ है तो बताइए। सारान सुमराव, सही आंसर है। गौरव सिंह, रूट वाली वैल्यू चेक करो, √3 नहीं आएगा, √2 आएगा वहां पर, गौरव सिंह। और SSK सही आंसर है। हाँ, सारांश उमराव, हाँ सही है। ठीक है, टाइम लगा रहे हो बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग टाइम ज्यादा ले रहे हो बट चलो ठीक है, फिर भी अलाउड है, क्लास 9th के लिए अलाउड है, कितना टाइम चलता है। आयुष गुप्ता, 2 + √2 होगा, 2 × √2 नहीं होगा। हाँ, देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, मतलब ये तो आ रहा है आप लोग का, देखो जितने लोगों ने आंसर दिया है इसमें ये बोला है, इसके दो आंसर आ रहे हैं, एक आंसर 2 + √2 आ रहा है, 2 + √2 seconds, और एक आंसर 2 - √2 seconds आएगा। लेकिन एक बात बताओ बच्चा, क्या दोनों आंसर सही है, मतलब दोनों आंसर होंगे, जो √2 होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.4 होता है, √2 लगभग 1.4 आता है, तो √2 अगर 1.4 है तो इसका मतलब तुम्हारे आंसर क्या आएंगे जानते हो, लगभग 3.4 सेकंड और लगभग 0.6 सेकंड, ये दो आंसर बनेंगे, लगभग एग्जैक्ट नहीं बट अप्रोक्सीमेटली ये बनेगा 3.4 और 0.6, तो इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, कौन सा आंसर नहीं होगा। श्रेष्ठ विश्वकर्मा, शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया।
क्या आप 0.6 को आंसर लोगे? क्योंकि देखिए नहीं, लास्ट सेकंड है तो आपके पास कम से कम आखिरी में एक सेकंड तो बचे। आखिरी में एक सेकंड कैसे आएगा? अगर टोटल टाइम ही 0.6 है तो इसमें से एक सेकंड कैसे निकलेगा तुम्हारा? ये तो वह एक सेकंड से कम हो गया। हाँ, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? 3.4 वाला, यानी कि 2+√2 वाला। क्योंकि दूसरा वाला आंसर जब लोगे तो वो तो खुद ही एक सेकंड से कम है, लेस देन वन है वो, 0.6 लेस देन वन है। तो हाउ विल यू फाइंड अ लास्ट सेकंड? उसमें से आखिरी का एक सेकंड आपको कभी मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर आंसर विल बी 3.4 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। ठीक है, समझ आया है चीज? एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज। ठीक है, अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। फाइंड द हाइट फ्रॉम विच बॉडी इज ड्रॉप्ड एंड टोटल टाइम टू फॉल डाउन। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। श्रेष्ठ विश्वकर्मा, शाबाश। कार्तिक गौर, SSK का आंसर भी सही है, श्रेष्ठ विश्वकर्मा का आंसर सही है, कार्तिक गौर, अंकित मेहरोत्रा आंसर सही है, आयुषी गुप्ता का आंसर सही है, कार्तिक गौर का आंसर सही हो गया, वसुंधरा यादव, अनिका यादव सही आंसर है, और सिंह का भी सही आंसर है, पावर सिंह टाइम वाली वैल्यू चेक करो, पावर सिंह टाइम की वैल्यू चेक करो, सारांश सुमराव सही आंसर है। हाँ जी, अब विदय सेकंड पार्ट बताओ, ये एक पार्ट सही है, ये वाला आंसर सही है, सेकंड वाला पार्ट बताओ। और श्रेष्ठ विश्वकर्मा का आंसर ठीक है। ठीक है, अंकित मेहरोत्रा आंसर सही है, सारांश सुमराव का भी आंसर सही है, सृष्टि सुधाकर का भी आंसर सही है, वसुंधरा यादव सही है, पौरव सिंह अब आंसर तुम्हारा सही हो गया, अनिका यादव सही आंसर है, अन्य त्रिपाठी सही आंसर है। ठीक है, और किसका आंसर है? अब विदय का आंसर नहीं आया, अभी तक अन्य त्रिपाठी, आयुषी गुप्ता, वेदिका तुम्हारा आंसर कहाँ रह गया भाई, तुम डिस्कनेक्ट हो गए क्या? वेदिका का आंसर नहीं है, वेदिका मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गई, का आंसर सही है। वेदिका डिस्कनेक्टेड हो? आई मीन कैसे डिस्कनेक्ट होगी तो बताओगे भी कैसे? चलो अच्छा देखो, तो इसमें कैसे करोगे? हाँ जी, वन सही है, कैसे सॉल्व करेंगे देखो यार, सोल्यूशन कैसे होगा इसका ना? तो फर्स्ट 3 सेकंड्स, जो पहला वाला 3 सेकंड होंगे, अनंत मनी आंसर सही है,
तो फर्स्ट 3 सेकंड, मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब भी आप एक बॉडी को ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करने के बाद अगर आप 3 सेकंड अलाउ कर दो तो ये हाफ जी टी स्क्वायर ये 45 मीटर आएगा, और ये हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल का आधा है, टोटल डिस्टेंस का आधा है, ये हाफ है, तो अगर ये 45 है इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो होना चाहिए वो 90 मीटर होना चाहिए, और टोटल अगर 90 मीटर है ना तो 90 मीटर को जब फॉल करना होगा तो 90 मीटर फॉल करने का टाइम निकालने के लिए तुम 90 इक्वल्स टू हाफ जी 10 इंटू टी स्क्वायर ये लगाओगे, ठीक है जी, और इससे तुम्हारा टी स्क्वायर जो होगा वो यानी कि टी जो आएगा वो 3√2 सेकंड्स आएगा टोटल टाइम, 3√2 सेकंड्स का टोटल टाइम आएगा। अच्छा, इतना ही आंसर आएगा इसका, ठीक है, 3√2, ठीक है 3√2। लेकिन एक बार बताओ तो इसका मतलब अगर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं आपसे ये पूछूं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करके, एंड देन इफ आई आस्क यू अ डिफरेंट थिंग विच इज हाउ मच टाइम इज टेकन टू ट्रेवल सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ जर्नी, क्या आंसर होना चाहिए आपका, हाउ मच टाइम इज टेकन टू ट्रेवल सेकेंड हाफ पार्ट ऑफ द जर्नी। जर्नी के दो पार्ट्स है ना, तो 45 मीटर गया सेकेंड हाफ, सेकेंड वाला हाफ जो होगा वो कितने देर में पूरा हो जाएगा, है ना, क्यों, यानी कि सेकेंड हाफ का मतलब इसके बाद आपको 45 मीटर और नीचे आना है, तो इसके बाद जो देखो पहला वाला 45 मीटर तो आप 3 सेकंड्स ले रहे हो, बट अगला वाला 45 मीटर आपको 3√2 - 3 क्योंकि ये टोटल टाइम है, 3√2 सेकंड्स आपका टोटल टाइम है फ्रॉम द ड्रॉप पॉइंट, वहां से पहले ही 3 सेकंड्स हो चुके हैं, तो 3√2 - 3 हाँ जी वसुंधरा ने सॉल्व भी कर लिया, ओके 1.24 के आसपास, ओके 1. अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर रूट टू की वैल्यू रख दी, रूट टू 1.4 रख दिया है, तो रूट टू अगर 1.4 रखते हो, 1.4 ठीक है, 1.24 के आसपास आंसर आएगा। आप बता सकते हो कि नीचे आने पर बॉडी का टाइम कम क्यों लग रहा है, मतलब ये वैल्यू अराउंड 1.242 सेकंड्स आ रही है, तो पहला 45 मीटर पूरा करने में आपने 3 सेकंड्स लिए और फिर उतना ही डिस्टेंस फिर से 45 मीटर चलने में आपको कम टाइम लग रहा है, सेम डिस्टेंस आप कम टाइम में क्यों कवर कर रहे हो, सेम डिस्टेंस कम टाइम में क्यों कवर कर रहे हो, बिकॉज बॉडी इज नाउ एक्सेलरेटेड, इट हैज मोर स्पीड, स्टार्टिंग में स्पीड कम थी अब स्पीड ज्यादा हो चुकी है उसके पास, वेदिका इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज नहीं हुई है, इंक्रीज एक्सेलरेशन नहीं हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, इसका एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट, थोड़ा सा टर्म्स में क्लियर करो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ है इसका, हाँ ड्यू टू एक्सेलरेशन द वेलोसिटी हैज इंक्रीज, स्पीड बढ़ गई है उसकी, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा है, हाँ एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट रहेगा स्टार्टिंग मोमेंट से लेकर के एंटिल द लास्ट मोमेंट, राइट, ठीक है ये पॉइंट समझ में आया। एंड नाउ अगर मैं इसी में एक और क्वेश्चन पूछूं, सेम क्वेश्चन में एक और पार्ट, ठीक है तो इसका आंसर आ गया, एक लास्ट पार्ट इसमें हम लोग पूछेंगे, देखो वो क्या होगा, एक सेकंड, वो है व्हाट इज फाइनल स्पीड ऑफ पार्टिकल, बताना क्या आंसर आएगा, व्हाट इज फाइनल स्पीड ऑफ पार्टिकल,
क्या लिखोगे, फाइनल स्पीड क्या होगी? बोलो बच्चा जल्दी बताओ। ठीक है, तो इसमें इसमें तो वाला केस आएगा, फाइनल स्पीड रूट टू जी एच से निकालते हो, रूट टू जी एच से ड्रॉप करने वाले केस में, जब बॉडी को ड्रॉप किया जाएगा तो फाइनल स्पीड रूट ऑफ टू जी एच, हाँ तो अंडर रूट स्क्वायर रूट टू टेन और ये 90, बस इतना आंसर आ जाएगा आपका, जो भी आंसर आएगा 30 रूट टू आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी कुछ इम्प्रूव हुआ तुम्हारा कॉन्फिडेंस, या अभी भी लो है यार? चलो हम लोगों ने करीब 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन किए हैं अराउंड, कुछ बेटर लग रहा है आपको कि अभी भी वैसे ही लग रहा है? अगर अगर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है तो हम लोग एक सेशन और कर लेंगे, एक क्लास और कर लेंगे इसकी, और कुछ क्वेश्चंस ले आऊंगा मैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको बेटर फील नहीं हो रहा तो, बट अगर हाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर आपका बढ़ा है तो सेशन की इम्पोर्टेंस है, बट अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, वी कैन हैव मोर सेशंस ऑन सेम टॉपिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, बेटर हो रहा है ऐसे? ठीक है, चलो ऑल फाइन, थैंक यू। हाँ जी SSK, तुम तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना चाहिए, देखो तुमसे अभी हम क्लास के बाद बात करेंगे फिर से एक बार। ठीक है, इंप्रूव सर। चलो बच्चा बाय बाय, टेक केयर, है ना, क्लास टाइम ओवर हो चुका है, थैंक यू।